दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीन की तैयारी भी दुनिया भर में चल रही है। यूएस कंपनी की वैक्सीन अंतिम चरण में है, जिसे इजराइल खरीदने को तैयार है। मंत्रालय ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन YNET मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। उधर मॉडर्ना ने इस बात की पुष्टि की है कि वो जुलाई में 30,000 लोगों के ऊपर अपनी नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी मॉडर्ना थेरापेटिक्स ऐसी वैक्सीन बना रही है जो इंसानों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगी। ये वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी। इसके लिए मॉडर्ना ने कमजोर और लगभग निष्क्रिय वायरस को इंसान के शरीर में डालने की तैयारी की है, ताकि शरीर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ले। मॉडर्ना ने इसके लिए कोरोना वायरस का उपयोग नहीं किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना का जेनेटिक कोड तैयार किया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा शरीर में सुई से डाला जाएगा, इसके बाद ये कोरोना वायरस से लड़ेगा। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस COVID-19 की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की करीब 90 टीमें काम कर रही हैं। सभी अलग अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जो अपने लक्ष्य के करीब हैं, जिसे ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण कहते हैं। इसमें से एक मॉडर्ना की वैक्सीन भी है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।